दोस्तों देखिए, कई बार हमारा टेबल पर इस तरह से सामान बिखरा रहता है रैक ना होने की वजह से। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि इस सामान को किस तरह से हम रैक तैयार कर सकते हैं घर पे। दोस्तों सबसे पहले एक हमें इस तरह की फट्टी चाहिए जो कि बिजली की दुकान पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और हमें इस पट्टी को खोल लेना है। देखिए इस तरह से हमें इस पट्टी को इस तरह से खोल लेना है। दोस्तों इसके बाद हमें एक प्लास्टिक की ट्रे चाहिए इस तरह की, देखिए। और हमें अपनी इस पट्टी को ट्रे के बराबर नाप लेना है, इस तरह से इतना नाप लेंगे। एक साइड की किनारी को इस तरह से नाप लेंगे और दूसरी साइड की भी इस तरह से नाप के और कट कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हमें कैंची की सहायता से इसको काट लेना है। इतना हमें इस पट्टी को कट कर लेना है कैंची या चाकू की सहायता से, इस तरह से काट लेना है। और इसी तरह से हमें दूसरे इसको कट कर लेना है, इसी तरह से हमें दूसरे वाले को कैंची की मदद से काट लेना है। इस तरह से काट लेंगे कैंची की मदद से, इस तरह से हमें काट लेना है। दोस्तों इस तरह से हमें अपनी जो पट्टी होती है बिजली वाली उसको इस तरह से कट कर लेना है। और इसके बाद हमें करना क्या, देखिए जो बड़े वाली पट्टी है ये वाली, इसको हमें इसके अंदर इस तरह से यहाँ पे चिपकाना है। देखिए हमें चाहिए बॉन्ड, मेरे पास बॉन्ड है। और हमें करना क्या है, इसको यहाँ पे रख के इस तरह से देखिए और यहाँ पे चिपका लेना है इसको। इस तरह से पहले बॉन्ड रख लेंगे और फिर इसे इस तरह से चिपका लेंगे, इस प्रकार से चिपका लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे वाली को भी चिपका लेना है यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड लगा के, और इसे भी हमें इस तरह से चिपका लेना, बड़े वाली को इस तरह से चिपका लेना। दोस्तों देखिए जैसे मैंने इनको चिपका लिया है, और थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे जिससे कि ये मजबूती से चिपक सके। और इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रखेंगे। देखिए आप पीछे से इस तरह से भी बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए। इस तरह से हमें पहले इसको चिपका लेना है परफेक्टली। ये हमारी अभी हमने देखिए इसको परफेक्टली चिपका लिया है। और दोस्तों देखिए इसके बाद हमें डबल साइड टेप लेनी है, मेरे पास फिलहाल ये टेप है, आप दूसरी वाली टेप भी यूज कर सकते हो कोई भी। और देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरह से हम इसको चिपकाएंगे, टेप को हमें इस तरह से चिपका लेना है, डबल साइड टेप है हमें इस तरह से चिपका लेना है। आप बड़े वाली भी ले सकते हो, मैं फिलहाल वीडियो में आपको दिखाने के लिए इस टेप का यूज कर रहा हूँ। और इस तरह से हमें देखिए टेप को चिपका लेना है दोनों के ऊपर, इस एंगल में हमें चिपकाना है पतले वाली के ऊपर। देखिए इस तरह से हमें चिपका लेना दोस्तों। और इसके बाद हमें करना क्या, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी जो ट्रे है उस पर हमें इस तरह से इसको रख लेना है, दोनों को हमें इस प्रकार से रखना है। देखिए दोनों को हमें इस तरह से रखना है, इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे, इस तरह से हमें रखना है दोनों को, इस तरह से रखेंगे आप देखिए यहाँ पे। और ऊपर से टेप को निकाल लेंगे, फिलहाल मैं टेप को निकाल लेता हूँ। देखिए इस तरह से टेप को निकाल लेंगे, और इसके बाद दोस्तों, और देखिए दोस्तों इसके बाद हमें अपने इसको देखिए यहाँ पे इस तरह से दबा के इसको दबा लेना है इस तरह से, और यहाँ ऊपर टेबल के ऊपर चिपकाएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस तरह से चिपका लेंगे, इसको दबा लेना है इस तरह से, और यहाँ ऊपर टेबल के ऊपर चिपकाएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस तरह से चिपका लेंगे, इस तरह से इसको चिपका लेना है। ये हमारी ड्रॉर बन चुकी है, देखिए इस तरह से हम इसको बाहर खोलेंगे, इस तरह से अंदर करेंगे। ये हमारी ड्रॉर बन चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इस तरह से हम इसको बाहर खोलेंगे, इस तरह से अंदर करेंगे। ये हमारी ड्रॉर बन चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों हमारी ड्रॉर बन चुकी है, अब इसमें हम अपना टेबल पर रखा हुआ कुछ भी सामान इस तरह से रख सकते हैं। इसमें हम इस तरह से रखेंगे कोई भी सामान अपना, जो भी टेबल पे एक्स्ट्रा अनचार सामान होता है उसको इस तरह से रखेंगे और अंदर कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।